नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन कोटियन। आप बिजनेस की दुनिया में हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका अपना अपना बिजनेसेस है। आप में से कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में होगा, कोई सर्विसेज के बिजनेस में होंगे, किसी का एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस होगा और कई लोग एक्सपोर्ट्स भी करते होंगे। वैसे स्मार्ट में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हमसे मिलते हैं और हमारे कोर्सेस में वो एनरोल होते हैं और उनकी अलग अलग समस्याएँ होती हैं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बातें करेंगे और देखते हैं कि इन समस्याओं का जो समाधान है वो कैसे निकाला जाए। क्या ये डिफ़िकल्ट है, क्या ये टफ है, या ये सिंपल है बट हम ये समझते नहीं हैं। देखते हैं आज के इस टॉक या डिस्कशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सरल तरीके से सुलझाएंगे। और मेरा ये दावा है कि अगर आप इन बातों को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आपको आने वाले समय में ऐसे दिक्कतों का सामना करने में परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि आपको जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है अपने टीम से वो आपको मिलता रहेगा। अब मैं जब गुरुकुल क्लासेस में होता हूँ तो मेरे क्लासेस में एंटरप्रेन्योर्स बैठते हैं। अब एक मुद्दा सबका बड़ा कॉमन होता है, वो किसी भी अगर समझो कि सेक्टर में अगर जुड़े हो तो वो ये कहते हैं कि नॉलेज तो सबके पास है। वैसे नॉलेज तो गूगल में भी है और कई लोग जो हमारे पास हैं जो काम करते हैं वो सबके पास अपना अपना सेट ऑफ नॉलेज है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो चुन कर ही लेते होंगे तो उनके पास अपना एक ज्ञान होता है। बट अभी डिस्कनेक्ट कहाँ पे है? जब काम करना शुरू होता है, जब बिजनेस में लोग लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो दिक्कत आती है वो इस बात को लेकर कि काम सब लोग करते हैं बट जब रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात आती है वहाँ पे एक समस्या है। लोग मेहनत करते हैं या एटलीस्ट जताते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं और करते भी होंगे, लेकिन बिजनेसेस को अगर प्रॉस्पर करना है, अगर बिजनेस को ग्रो करना है, अगर कंपनी को प्रॉफिटेबल रहना है तो क्या हमको सिर्फ एफर्ट्स पे ध्यान देना है या रिजल्ट्स पे? आप समझ गए होंगे, एफर्ट्स तो एक बाजू अगर रखें तो ठीक है, तो होना ही चाहिए, लेकिन पूरी फोकस अगर हमारा रिजल्ट्स पे है तो मेरे ख्याल से वो कंपनी आपकी हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगी और आपको प्रॉफिट्स दिलाती रहेगी। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हमारे पास जो टीम है वो क्या एफर्ट फोकस्ड होनी चाहिए या रिजल्ट फोकस्ड होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हम सब ये जानते हैं कि हमको एक रिजल्ट फोकस्ड टीम बनानी है और इस कंपनी में सबका ओरिएंटेशन रिजल्ट की तरफ होना चाहिए। तो उसे कैसे करें? आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जब इसको सुनेंगे आप और कल जब जाके समझेंगे इसको और उस पर जब अमल करेंगे आप रोज के बेसिस में रिजल्ट्स पाएंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं फॉर्मूला क्या है? यस, अगर रिजल्ट्स चाहिए आपको तो एक बात आप समझते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। फिर वो सेल्स के विषय में हो, प्रोडक्शन के विषय में हो, कस्टमर सर्विस के विषय में हो, आपका एडमिन के विषय में हो, रिक्रूटमेंट के विषय में हो, कोई भी विषय में हो, एग्जीक्यूशन सटीक होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा आपको ये रिजल्ट बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन, परफेक्ट एग्जीक्यूशन ये कैसे किया जाए उसका एक फॉर्मूला देता हूं। हियर इट गोज, द फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू ए एम सी स्क्वायर। लिख लीजिए, E इज इक्वल टू ए एम सी स्क्वायर। अब इसमें जो E है वो क्या है, A जो पार्ट है वो क्या है, M उसे क्या कहेंगे, और C स्क्वायर मतलब जो दो C हैं इसमें वो क्या है, वो एक एक करके आपको बता दूंगा। E स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूशन। आपका एक साल है, बिजनेस ईयर है, उसमें आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि हमको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है और इतना उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इतने लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे, इतना मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, ये सब आपने बना दिया प्लान। अब इस प्लान को जब आप प्ले करते हैं और जब आप अपने जो टीम है इनके रोल्स को आप जब देखते हैं तो आप वहाँ पे एग्जीक्यूशन में गैप्स देखते हैं। अब एग्जीक्यूशन मतलब आपका मशीन काम कर रहा है, आपके फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, फील्ड पे लोग काम कर रहे हैं, आपकी मीडिया में आपके एडवर्टाइजमेंट्स काम कर रही हैं, ये सब चीज़ जब सही ढंग से काम कर रही होती है तो हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है।
So execution means whatever you have done, it has yielded results. जो भी आपने किया, जिस भी तरीके से किया, प्लान के अकॉर्डिंगली किया, आपको जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड था वो मिल गया. अब अगर ये करना है अगर, तो हम देखते हैं E is equal to AMC square में से जो फर्स्ट जो एस्पेक्ट है, जो A वाला एस्पेक्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. अब A क्या है? मैं कहूंगा A मतलब अलाइनमेंट. अब सब लोगों के पास गाड़ियां होंगी, फोर व्हीलर्स होंगे. अब नॉर्मली आप देखेंगे कि हर एक तीन चार महीने में या एक लंबा ड्राइव आप चले गए और रिटर्न आते समय आप जरूर एक काम करते होंगे, अपनी गाड़ी को सर्विस में देते होंगे. अब सर्विस होने के बाद वो गाड़ी का अगर टायर्स आप चेकअप कराते हैं, तो टायर्स चेकअप जब करते हैं या तो आप रिप्लेस करते हैं या चेंज ओवर करते हैं, तो एक चीज होती है उसके बाद, वो है अलाइनमेंट. उसमें वेट बैलेंसिंग भी करते हैं. अब ये करते क्यों हैं? हमने कई बार अपने ड्राइवरों को भेजकर ये कर दिया होगा या कहीं जाकर देखा होगा करते हुए. हमने कभी सोचा है कि ये अलाइनमेंट होता क्यों है? अगर एक गाड़ी चलती रही है, चलती रही, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो रास्ते अपना काम कर जाती है और जो लोड गाड़ी के ऊपर है और साथ साथ में जो रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो पॉट होल्स हैं, उसके जो थपेड़े पड़ते हैं, तो गाड़ी में वेयर एंड टेयर होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन. अब सबसे बड़ा मार जो है उसके टायर्स पे आती है, एंड फिर ऑफकोर्स उसके एक्सल, बाकी ब्रेक ड्रम्स जो भी है. अब आप इस गाड़ी को ऐसे ही चलाते रहिए तो टायर्स का क्या होगा? ऑफकोर्स इट विल बी वर्न आउट, खराब होंगे. और अगर आप फिर भी गाड़ी ऐसे ही चलाएंगे तो एक बार वो होगा जो हम कोई नहीं चाहते, यस, एक्सीडेंट. एक बिजनेस, एक कंपनी भी ऐसी है. इस कंपनी में कई सारे पुर्जे हैं, जहां गाड़ी में एक्सल है, स्टीयरिंग व्हील है, बॉल बेयरिंग्स है, कई प्रकार के उसमें सेटिंग्स है. वैसे ही अपने कंपनी के अंदर आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. अगर डिपार्टमेंट्स देखें तो देयर इज वन रेवेन्यू डिपार्टमेंट विच इज सेल्स डिपार्टमेंट. उसको प्रोड्यूस देने के लिए, प्रोडक्शन देने के लिए देयर इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जो रेवेन्यू आता है उसको स्ट्रीमलाइन बैंकिंग करने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट है. लोग हैं तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट होंगे, तो एचआर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का काम करती है, मार्केटिंग अपना काम करती है. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या है? ये उसी गाड़ी के पुर्जे हैं. जब बिजनेस कंडक्ट होता है तो हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं मार पड़ती है, तकलीफ होती है, फ्रिक्शन होती है. अब इसको नोट कौन कर रहा है? गाड़ी तो चलो गैराज में हमने दे दिया, लेकिन इस बिजनेस के बिजीनेस में क्या हम थम कर, रुक कर अपने उन पुर्जों को टटोलते हैं, चेक करते हैं कि भाई कहीं ये वेयर आउट तो नहीं हुए हैं, कहीं कोई इंसान थक तो नहीं गया है, कहीं कोई मेंटेनेंस में इस मशीन को लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या उसका एक रेगुलर हम चेकअप करते हैं? अगर वो नहीं करते हैं तो फिर यही होगा कि हर एक डिपार्टमेंट अपने साइलोस में काम करती रहेगी और जो वेयर एंड टेयर, जो उसके ऊपर मार पड़ी हुई है, उसके साथ साथ आपको प्रोड्यूस देती रहेगी. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप बोलेंगे कि अलाइनमेंट का एक डिफेक्ट है. तो वन इज एवरी डिपार्टमेंट शुड बी इन टिप टॉप कंडीशन. दूसरा, एक कंपनी एक सेंट्रल फोकस रखती है और साथ ही साथ एक विजनरी कंपनी एक विजन रखती है. आप सभी जो हमारे गुरुकुल्स में स्टडी कर चुके या फिर ग्रेजुएट कर गए, आप जानते होंगे हम अपने गुरुकुल में, एंटरप्रेन्योर गुरुकुल में, फोर्थ और फिफ्थ सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है सेट योर डीएनए फर्स्ट. मतलब ये कि कुछ भी करने से पहले हमको अपने कंपनी का विजन को बनाना पड़ेगा. विजन मतलब एक दूरदृष्टि, विजन मतलब एक बिग पिक्चर, विजन मतलब वो जगह, वो समा जहां हमें जाना है. अब अगर हमारी कंपनी का विजन है तो एक तरीके से अच्छी है, अच्छी बात है. विजन नहीं है तो बड़ा डेंजर है. थोड़ी देर के लिए समझ के चलते हैं कि हमारी कंपनी में विजन हमने बना दिया है, मतलब उसमें हमने ये चीज स्टेट कर दिया है कि हम लोग रोज क्यों उठते हैं,
हमारा रोज उठने का, सुबह उठने का कारण क्या है, हमारी कंपनी किस चीज के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, हम किस चीज के लिए या किस वजह से इस कायनात में, इस दुनिया में एज ए कंपनी हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा कोर पर्पस क्या है। ये विजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। साथ ही साथ हमने जब विजन बनाया होगा तो हमने ये भी बनाया होगा कि जब हम बिजनेस कंडक्ट करेंगे तो किन कोर वैल्यूज, किन सिद्धांतों पर हम अटल रहेंगे। कुछ 4-5 कोर वैल्यूज हमने बनाए होंगे। साथ ही साथ हमने देखा है कि विजन में एक बिग हेरी ऑडेशियस गोल होता है, मतलब आज से लेकर 10-15-20 साल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं। वो टर्नओवर को लेकर हो सकता है, वो एक आइडियल कंपनी को एम्यूलेट करना, कॉपी करना या उस जैसे बनना, ये हो सकता है। तो हमारा एक दूर का लक्ष्य, एक 10-15 साल के जो होराइजन में क्या है वो हमने बनाया होगा, जिसको हम लोग बिग हेरी ऑडेशियस गोल बोलते हैं। और फिर साथ ही साथ हमने एक वेब डिस्क्रिप्शन बनाया है जिसमें हमने क्लियरली लिखा है, बताया है, जताया है कि उस दिन जब ये लक्ष्य कायम होगा तो हम और हमारी कंपनी कैसे दिखेंगे। साथ ही साथ हमने एक ब्रांड प्रॉमिस भी दिया है कि जो भी हमारे ग्राहक होंगे, हमसे जुड़ेंगे और हमारे साथ ताल्लुक रखेंगे या हमारे साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो उनको वो क्या चीज है जो हमेशा 100% मिलेगा, मतलब हमारा ब्रांड का प्रॉमिस। अभी जो भी मैंने आपको ये सब बताया है, कोर पर्पस हुआ, कोर वैल्यूज हुआ, बिग हेरी ऑडेशियस गोल हुआ, विविड डिस्क्रिप्शन हुआ और हमारा ब्रांड प्रॉमिस, ये पूरा एक विजन का मल्टीपल एलिमेंट्स है। तो आप में से जो साथी अपने कंपनियों के लिए विजन बना चुके हैं, थम्स अप। अगर जिन्होंने ये विजन नहीं बनाया तो आप लोगों को हमसे जुड़ना है, हम आपको बता देंगे कि विजन बनता कैसे है। मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स अगर चाहिए तो एग्जीक्यूशन सटीक होना चाहिए। एग्जीक्यूशन सटीक होना चाहिए अगर, तो एग्जीक्यूशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि E इज इक्वल टू AMC स्क्वायर, और मैं तो बात कर रहा था A की। A मींस अलाइनमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, एवरी एम्प्लॉय, एवरी पार्टनर, एवरी स्टेक होल्डर जो भी हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं, अगर उनका इस विजन के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर रिजल्ट्स निकालना है तो उसका फंडामेंटल, मूलभूत एक रीजन, कारण यह है कि सारे लोग हमारे कंपनी के अंदर अलाइंड है। अलाइंड टू द कोर पर्पस, अलाइंड टू द कोर वैल्यूज, अलाइंड टू द बिग हेरी ऑडेशियस गोल, अलाइंड विद द विविड डिस्क्रिप्शन एंड डूइंग देयर बिट टू इंश्योर दैट द ब्रांड प्रॉमिस इज डिलीवर्ड। जस्ट सोच के देखिए कि आपके कंपनी में आपके सभी लोग कोर पर्पस से जुड़े हुए हैं, मतलब जितने भी लोग होंगे, आपका अकाउंटेंट हुआ, आपका सेल्समैन हुआ, आपका मार्केटिंग की टीम हो गए, आपके एडमिन वाले हो गए, आपके एचआर के हो गए, आपके आउटसोर्स स्टाफ हो गए, कई आप में से मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लेके बैठे हैं, तो आपके पास तो लेबर, जो सब कॉन्ट्रैक्टर लेबर होते हैं वो भी होंगे। मेरे क्लास में लोग पूछते हैं मुझे कि सर अगर हमारे पास समझो 50 एम्प्लॉयज हैं और उसमें उसके साथ साथ 20-25 आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं, तो क्या उनको भी विजन के साथ हमको अलाइन करना है। तो मैं पूछता हूं, ये कौन सा सवाल हुआ, क्यों नहीं करना चाहिए उनको अलाइन। तो क्या हुआ अगर वो अंग्रेजी नहीं जानते, तो क्या हुआ वो अगर हमारे साथ रोल्स पे नहीं है, प्रोडक्ट तो हमारा वही बनाते हैं, सेफ्टी हमारा वही देखते हैं, पैकिंग हमारा वही करते हैं, तो वो कैसे बाहर वाले हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अलाइनमेंट मींस एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इन द सिस्टम दे हैव कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस विद योर विजन। अगर आप ये इंश्योर करते हैं तो आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन का जो एक फर्स्ट जो स्टेप है वो आपने ले लिया है। और कई चीज आप कर सकते हैं, ये जो कोर पर्पस, कोर वैल्यूज की तरफ आपके एम्प्लॉयज को अलाइन करने के लिए विजन रेसिटेशन कर सकते हैं। हम गुरुकुल में काफी चीजें बताते हैं कि आप कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे आपको ये दिख जाएगा कि आपके सभी लोग आपके विजन के साथ अलाइन है। तो एक हुआ अलाइनमेंट की बात। अब जस्ट सोचिए, आपने एक विजन रखा है और सभी लोग, मतलब आपके कंपनी में चेयरमैन टू द वॉचमैन, हां चेयरमैन टू द वॉचमैन, विच मींस आपसे लेकर वो जो फ्रंट में जो खड़ा हुआ है, गेट पे जो खड़ा हुआ है, सभी को लेकर सभी लोग इस अलाइनमेंट में एक है, काफी हेडेक आपका कम होगा।
ये जो क्रैक्स, ये जो लीकेजेस, ये जो डिस्क्रिपेंसीज, ये जो डिस्टॉर्शन जो कंपनीज में होती है और जो हेडेक्स जो होता है, ये एक ही रीजन से होता है, क्योंकि सभी लोग अपना मनमानी करते हैं। सभी लोगों को लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन कोई पलट कर देखता नहीं कि मेरा जो ये काम है ये कंपनी के उस लक्ष्य की तरफ हमें ले जा रहा है या उसके विपरीत। सो माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू और यू शुड रादर हैव इज कंप्लीट अलाइनमेंट इन द सिस्टम। अब आपका अलाइनमेंट हो गया तो आपको याद है फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था? यस, रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपका एग्जीक्यूशन बराबर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। एंड फॉर एग्जीक्यूशन आई सेड E इज इक्वल टू AMC स्क्वायर। अब हम ऐसे समझ के चलते हैं कि हमारे सारे लोग अलाइंड हैं, सबको विजन पता है, सबको कोर पर्पस पता है, और सब लोग उस बीहैग बिग हेरी ऑडिशियस गोल की तरफ भाग रहे हैं, और सब लोग अपने ब्रांड प्रॉमिस को डिलीवर कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश तो ऐसा कर रहे हैं। अब अगला जो एस्पेक्ट है वो आता है M। अब दोस्तों इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। M stands for mindset, या mindset। अब देखो अगर ये शब्द भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उसमें उसका आंसर उत्तर तो है ही। mindset, mindset का क्या मतलब हुआ? mindset मतलब your mind is set, your mind is set on some particular thing or things, and in the organization, आपके कंपनी में 500 minds हैं, सब अलग अलग हैं। और आप देखेंगे, मैं तो कहता हूं मशीनों के साथ काम करना इजी है। आप कोई भी मशीन ले लीजिए, आपके कंपनी में फैक्ट्री में कई मशीन्स होंगे, आपके पास अपना एक फोन होगा, आप टेलीविजन यूज करते हैं, आप गाड़ियां यूज करते हैं, ये सारे मशीन्स यूज करना इजी है। क्यों? क्योंकि जिस भी मशीन को आप खरीदते हो या लाते हो या इंस्टॉल करते हो, उसके डब्बे में एक चीज बाहर निकलता है और वो है उसका कैटलॉग या मैनुअल। छोटा मशीन लीजिए या बड़ा फैक्ट्री का एक रोबस्ट मशीन लीजिए, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन मशीनों के साथ काम करते हैं वो कितना यूनिक है, कितना डिफरेंट है, कितने अलग है? और क्या उनके साथ जो बॉक्स आया था उसमें मैनुअल बना था? नहीं, क्योंकि हम इंसानों के साथ काम करते हैं। कितना भी आप इंडस्ट्रियलाइज करें, कितने भी आप टेक्नोलॉजी को लाएं, इंसानों का इंटरवेंशन आप कम नहीं कर सकते या खात्मा तो नहीं हो सकता उसका। तो जहां लोग हैं, जहां हमारे पास पीपल हैं, तो पीपल के माइंड्स हैं, और अगर माइंड्स हैं तो उनके अपने अपने माइंडसेट्स हैं। तो माइंडसेट को अगर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब ये बनता है कि अगर मैं पास्ट में चलकर देखूं, अगर मैं एक महीना पीछे चले जाऊं, मैं दो महीना पीछे चले जाऊं, कुछ साल पीछे चले जाऊं, या अपने लाइफ में पीछे चले जाऊं, जो जो वाकयाएं मेरे साथ हुई हैं लाइफ में, पर्सनल या प्रोफेशनल, कुछ ऐसी हुई है कि मेरे माइंड ने उसको मान लिया है कि ऐसा ही होगा। अभी उदाहरण तौर पे अगर मैं बोलूं कि एक एचआर, एक आपका एचआर एग्जीक्यूटिव है, अभी उनको एक पर्टिकुलर टाइप के लोग अगर पसंद नहीं आते, उसका एक रीजन होगा कि जब इंटरव्यू करते थे वो एक जमाने में, तब उनको कुछ टाइप के लोगों में कुछ खोट नजर आती थी, या उनको उनकी शक्ल पसंद नहीं आती थी, या उनको लगता था ये झूठ बोल रहे हैं। तो माइंडसेट एक बन जाता है कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। आप आउटसाइड द वर्ल्ड जाएंगे या आउटसाइड द इकोसिस्टम जाएंगे तो आप अगर ग्राहक को देखते हैं, कुछ ग्राहक आपके होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो आपको टाइम पर पेमेंट देते हैं। मतलब आपने अगर अपना जो गुड्स दे दिया और आपका जो भी 30 डेज 60 डेज उसका जो टाइम पीरियड है उसमें पेमेंट्स बिना फॉलोअप किए आ जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको पेमेंट देते ही नहीं है। तो आपका माइंड, अगर आप प्रबल नहीं है तो आपका माइंड ये बोल सकता है कि सभी ग्राहक पेमेंट रोकते हैं, ये माइंड सेट हो सकता है, या सभी लोग टाइम पर देंगे, ये जो आपका एक्सपीरियंस पिछला है उस पर आपका माइंड सेट बन सकता है। अब जब हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, तो अगर हम लोग इंटरनल इकोसिस्टम में देखेंगे तो हमारे पास कई लोग हैं काम करते हुए। क्या कभी सोचा आपने रोककर कि भाई इनका माइंडसेट कैसा होगा, ये क्या सोचते होंगे, ये जब काम पे आते हैं तो कौन सा वाला माइंड लेके आते होंगे, और क्या इनका ये माइंडसेट है कुछ नोशंस पे, कुछ तथ्यों पर? अब
ये अगर समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा, माइंड सेट्स प्राइमरली दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहेंगे फिक्स्ड माइंड सेट और दूसरा को कहेंगे ग्रोथ माइंड सेट। वन इज अ फिक्स्ड माइंड सेट वाइल द अदर इज अ ग्रोथ माइंड सेट। एंड इफ आई आस्क यू टू चूज, आई डोंट नीड योर आंसर्स बिकॉज आई नो आप क्या मैं क्या पूरी कायनात बोलेगी। हमको वैसे लोग चाहिए जिनका ग्रोथ माइंड सेट है। तो अभी देखते हैं कि हम जो कंपनी चला रहे हैं या कंपनीज को चला रहे हैं उसमें कौन से टाइप के लोग हैं। क्या हमारे पास फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं, क्या हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं। तो अगर ये देखना है, अगर समझना है, तो हमको कुछ पैरामीटर्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो लोग हमारे होते हैं, लेट अस से द फर्स्ट पैरामीटर स्किल्स। स्किल मतलब कौशल्य। आपके वर्कमैन हैं, आपके फील्ड मैन हैं, आपके ऑफिस मैन हैं। जब मैं मैन कहता हूं विदाउट एनी बायस, मैन एंड वेमेन, ठीक है, या नहीं तो लेडीज नाराज हो जाएंगी। तो जब हम ये वर्कमैन बोलते हैं, जब हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, तो ये माइंडसेट के साथ आते हैं। अब जब स्किल्स की बात आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पास जो कंपनी में जब प्रवेश करते हैं उनके पास कुछ स्किल सेट होता है। उनको कुछ मेल्स लिखना आता होगा, एक तरीके से उनका एक स्किल होगा। उनको टेलीफोन पर बात करना आता होगा, उनका टेलीफोन स्पीकिंग स्किल्स होगा। वो सेल्स को क्लोज करते होंगे, उनका क्लोजिंग स्किल्स होगा। उनका पिचिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स होगा। उनका एक तरीके का नेगोशिएशन स्किल्स होगा। तो कुछ स्किल सेट्स लेके आते हैं। अब जो इंसान फिक्स्ड माइंडसेट से आता है, उनका ये सोच रहता है कि मैं बेस्ट हूं, मेरे पास जो स्किल्स है ये दुनिया में किसी के पास नहीं, और इन स्किल्स को और बढ़िया नहीं बनाया जा सकता है। तो वो लोग जो सोचते हैं कि ये मेरे जो स्किल्स है ये बेस्ट है और इसका कुछ अच्छा नहीं किया जा सकता है, वो लोगों को हम फिक्स्ड माइंडसेट में गिनेंगे। विच मीन्स दे डोंट वॉन्ट टू ग्रो एंड दे डोंट वॉन्ट टू एनहेंस और मे बी ब्यूटिफाई और डेकोरेट और अप देयर स्किल्स, और उस दिशा में वो कोशिश भी नहीं करते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोगों को अगर आप देखेंगे, उनका चाल ढाल, उनका बोलने का अंदाज, उनका काम करने का अंदाज और उनके सोचने के अंदाज, उनकी इंक्विजिटिवनेस, उनकी क्यूरियोसिटी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोगों को अभी भी लगता है कि दिल्ली दूर है। दीज पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस, और वो हमेशा इस तलाश में रहते हैं, खोज में रहते हैं कि मुझसे बढ़िया अगर कोई स्किल रखता है तो क्या मैं उनसे सीख सकता हूं, मुझसे बढ़िया अगर कोई स्किल रखता है तो क्या मैं उनको ऑब्जर्व कर सकता हूं, मेरे से अच्छा अगर ये जो काम करता है तो क्या उनसे मैं डिस्कस करके दो लेसन्स ले सकता हूं, कोई किताब है जिससे अगर मैं पढ़ूं तो मेरा स्किल्स एनहेंस हो सकता है। ये लोग स्किल्स को हमेशा एवरी डे एवरी टाइम बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। इनको भूख होती है, इनको तलब होती है कि वो और अच्छा करें। तो ग्रोथ माइंडसेट अगर आपको जांचना है किसी का है, तो आप देखेंगे कि अगर एक इंसान अपने स्किल्स को बढ़ाने के चक्कर में है, दैट मींस आप कह सकते हैं ये इंसान ग्रो होना चाहता है, दैट मींस ही इज अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को परखना चाहते हैं अपने अपने सिस्टम में, चैलेंज दीजिए, कुछ ऐसा कठिन काम दीजिए, एक्सपोज देम टू समथिंग विच इज बियॉन्ड देयर वर्क प्रोफाइल और जॉब रोल्स एंड ऑब्जर्व देम। अब इसमें भी आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक वो टाइप है जिसको हमने कहा कि ये फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा, चैलेंजेस से दूर भागेगा। वो हमेशा ये बोलेगा कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, वो हमेशा ये बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, वो हमेशा ये बोलेगा नहीं मुझे तो ये आता नहीं है, वो हमेशा ये बोलेगा कि ये उससे कराओ ना, वो हमेशा ये बोलेगा कि यार मैंने कभी किया नहीं, वो हमेशा बोलेगा नहीं मेरे पास तो कोई ऐसा ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं है। तो वो अवॉइड करेगा। ये कोई भी हो सकता है, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, मिडलमैन हो सकते हैं। तो आपके जो हायरार्की में जितने लोग हैं, आप उनको अगर चैलेंज में एक्सपोज करते हैं तो आप उनका रवैया अगर ऐसा देखते हैं अवॉइडिंग, मतलब वो फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये चैलेंज अगर मैं ले लूं या स्वीकारूं, अगर मैं हार गया, अगर मुझसे ये बन नहीं पड़ा तो लोग क्या कहें। They also have a sense of fear of failure. But अगर हम लोग वो दूसरे लोग हैं जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, उनको ऑब्जर्व करें,
वो हमेशा इनिशिएटिव्स लेने के लिए तैयार है। वो सामने से आपको आकर बोलेंगे सर अब मैं क्या कर सकता हूं, वो हमेशा ये बोलेंगे सर क्या इसको मैं ट्राई करूं, वो हमेशा आपको पूछेंगे सर ये करते कैसे हैं, वो हमेशा पूछेंगे सर अगर ये मैं करूं तो इट विल बी बेटर ना, वो हमेशा बोलेंगे सर इसको मैं करके बताता हूं। एंड उसे करने के लिए वो जो भी टास्क होगा, रोल होगा, जॉब होगा, उसे करने के लिए वो अपना 100% तन मन लगा देंगे। एंड फेल भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं, बट मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने उनको एक टास्क दिया, उसमें एक एलिमेंट ऑफ चैलेंज था, इन्होंने स्वीकार लिया। ये कौन लोग हैं? ये ग्रोथ माइंडसेट लोग हैं। अगर हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में रिजल्ट चाहिए तो हमारे पास जितना ज्यादा लोग संख्या में ग्रोथ माइंडसेट के होंगे तो आई थिंक वी गो वेरी क्विकली टुवर्ड्स द रिजल्ट्स, बिकॉज पीपल आर रेडी टू सीक और टेक चैलेंजेस। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें, ऐसे लोगों को आप मोटिवेट करें, इनकरेज करें, उनकी फेलियर्स को नहीं उनके प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करें। क्योंकि लोग हमेशा यही देखते हैं कि जब चैलेंज दिया और अगर गिर गया तो लोग ताने मारते हैं, बट अगर आप उन्होंने प्रोग्रेस कर दिया उसको अगर आप तारीफ करेंगे उनका हौसला बढ़ जाता है एंड दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तीसरी बात, अगर आप जांचना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं हमारे माइंडसेट में क्या फिक्स्ड माइंडसेट में है या ग्रोथ माइंडसेट में है, तो आप चेक कर सकते हैं वो एफर्ट कितना डालते हैं। उनका जो भी आपने रोल दिया है, उनको टास्क दिया है, असाइन किया है, वो क्या 100% देते हैं या सिर्फ समय से चलते हैं। तो कुछ लोग होंगे जो रिजल्ट फोकस्ड होते हैं तो उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालते, सही एफर्ट डालते हैं। तो अगर लोग आपको खुश करने के लिए या बॉसेस को प्लीज करने के लिए ज्यादा टाइम ऑफिस में बैठते हैं और ज्यादा टाइम आपके सामने मंडराते रहते हैं और एफर्ट्स डालते हुए ऐसे आपको एक ढोंग या नाटक करते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट। बट दूसरे छोर पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी प्लानिंग करी है और जिन्होंने एक प्लान डिवाइस किया है कि इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए कौन से एफर्ट्स, कौन से इनपुट्स डालने हैं, और वही इनपुट्स डालते हैं और रिजल्ट्स को पैदा करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पीपल, दे आर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल एंड दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दे बिलीव इन प्रोड्यूसिंग बेस्ट रिजल्ट्स इन द गिवन टाइम and that's how they actually deliver the right kinds of efforts। to yahan par bhi aapko clear samajh mein aa jayega ki isme growth mindset kaun hai aur fixed mindset kaun hai। aur ek jo sabse important ek element hai mindset ko check karne ka wo ye hai feedback। duniya mein aapko kai sare log milenge jo aapko raaye denge, feedback denge, paisa nahi lagta hai to sab log feedback dete hain, बट उसमें कई लोग होंगे जो आपको आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके हित के लिए आपको फीडबैक देते हैं। अब यहां पर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं ये देखिए। तो आपके सिस्टम में लोग हैं, कभी आप जाकर फीडबैक दीजिए या आपको किसी ने फीडबैक दे दिया। अब जो फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनको फीडबैक से परहेज है, उनको फीडबैक से बहुत डर लगता है, उनको लगता है अरे फीडबैक मेरे लिए नहीं बनी क्योंकि मैं तो सही हूं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि कोई मुझे क्रिटिकल फीडबैक दे। जब हम क्रिटिकल फीडबैक की बात करें उसका मतलब यह है सिर्फ अच्छा अच्छा ना बोले लेकिन जो सही है, जो उसके हित में है वो बोले। सो व्हेन पीपल आर फिक्स्ड माइंडसेट दे रन अवे फ्रॉम फीडबैक और दे ऑल्सो जस्टिफाई अ फीडबैक और दे ऑल्सो काउंटर अ फीडबैक। मतलब फीडबैक आप उनको दे दो तो आपको 10 चीज बताएंगे कि क्यों वो सही थे और क्यों आप गलत हैं। वो आपको ऐसा साबित कर देंगे कि ये फीडबैक उनके लिए नहीं था। लेकिन आप जाइए ग्रोथ माइंडसेट लोगों के पास, वो बहुत ध्यान से आपको सुनेंगे, बोलते ना इफेक्टिव लिसनिंग, वो पूरी फोकस के साथ आपको सुनेंगे, आपको जस्टिफाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट जब आप उनको फीडबैक देंगे तो आपको पूछेंगे कि सर आपने कहा कि मैं यहां पे थोड़ा वीक पड़ता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे 2-3 सिचुएशंस जहां पे आपको लगा मैं ऐसा वीक पड़ गया, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इससे मैं अगर उभरूं तो कौन सी 2 चीजें मैं कर सकता हूं। तो दे विल आस्क यू, दे विल आस्क गाइडेंस, दे विल सीक गाइडेंस,
They will ask for details and they will well appreciate feedback given. तो मेरे ख्याल से अगर हमारे लोगों में अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो वो आपके सामने फीडबैक बहुत न्यूट्रल माइंडसेट से न्यूट्रल माइंड से लेंगे. एंड ऐसे लोगों के साथ काम करना भी बड़ा मज़ेदार एक किस्सा है. सो व्हाट वी हैव स्पोकन अबाउट इज स्किल्स, चैलेंजेस, एफर्ट्स एंड फीडबैक. एंड और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को लोगों का माइंडसेट चेक करना है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि लोग फेलियर से कैसे डील करते हैं. जब आप कुछ करेंगे तो फेल तो होंगे ही. कभी कभी मुझे लोग मिलते हैं बोलते सर मेरे से कभी मिस्टेक हुआ ही नहीं, तो मैं बस एक स्माइल करता हूँ. आप समझ गए, क्योंकि जो लोग करते हैं वो फेल होते ही हैं. अब जो फेल नहीं होते हैं भगवान ही होंगे, है कि नहीं. तो फीडबैक तो एक चीज़ है, लेकिन सेटबैक जो है या फेलियर जो है जिंदगी में मिलती रहेंगी. जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं अगर उनके सामने उनके रास्ते फेलियर्स आ गई तो एक शेल के अंदर चले जाते हैं, वो एक कॉर्नर में अपने आप को बंद कर देते हैं, वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं, उनको लगता है दुनिया खत्म हो गई, उनको उससे उभरने की ताकत ही नहीं होती है और वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि हाय मैं ये क्यों कर बैठा. लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं दे आर वेरी क्लियर दैट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. In fact, they believe that failures are the stepping stone to success. ये बड़ा क्लीशे एक लाइन है, बट फैक्ट भी तो है. तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं दे आर वेरी वेरी क्लियर वेन एवर दे फेल स्मॉल और बिग दे एनालाइज फेलियर्स. वो उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये सेटबैक मिल गया या फेलियर मिल गई, और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं. तो दे वेरी ओके विद फेलियर, बट एक चीज वो इंश्योर करते हैं कि वो वही वाला जो फेलियर है उसे रिपीट नहीं करते. दैट्स प्रोग्रेस, दैट्स ग्रोथ. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक वी मस्ट कल्टिवेट पीपल, मैन पावर इन आवर सिस्टम हु कैन गो टुवर्ड्स ग्रोथ माइंडसेट. अब ये रेडीमेड नहीं मिलते हैं, उनको हमको बनाना पड़ेगा, उनको ओरिएंट करना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, उनको हम लोगों को सक्सेस स्टोरीज गिनाने पड़ेंगे, उनको अपना गोल से हमको रूबरू कराना पड़ेगा, उनको हमारे विजन के साथ अलाइन करना पड़ेगा. ये अगर हम लोग करते हैं तो वी कैन सी दैट मेजोरिटी ऑफ आवर टीम पीपल और पीपल इन आवर टीम आर ग्रोथ माइंडसेट पीपल. तो हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूशन की, और एग्जीक्यूशन क्यों, राइट एग्जीक्यूशन क्यों, बिकॉज वी वॉन्ट रिजल्ट्स. तो वी वॉन्ट रिजल्ट्स for which we have to execute things well. When we have to execute things well, we said E is equal to AMC square. Humne dekha A stands for alignment. Humne abhi ye bhi dekha ki M stands for mindset. To jo C square hai, AMC square, usme do C hai. To pehla wala C kya hai? Pehla wala C hai capacity. Yes, friends. हमारे कंपनी में हमने जो लक्ष्य या गोल्स रखे हैं उसको अगर हमको सार्थक करना है और समय से पहले अगर करना है तो वी शुड हैव सेंट पर्सन कैपेसिटी. अभी अक्सर ये देखा जाता है कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर या रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को निकाला जाता है और बड़ा टाइट एक मॉडल बनाया जाता है. एक तरीके से अच्छा है अगर उससे इफेक्टिवनेस बनता है तो, लेकिन दूसरी तरीके से मार कहां पड़ती है, कैपेसिटी पे. अगर आपको 4 टन माल या 4 टन गुड्स या 4 टन प्रोड्यूस या 4 टन प्रोडक्ट्स बनाना है एक महीने में, तो उस कैपेसिटी का मशीन रखना ही पड़ेगा आपको. लेकिन अगर आपको 4 टन अगर माल बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, और अगर आपके पास मशीन की कैपेसिटी 2 टन की है, आप कैसे करेंगे? तो ये प्लानिंग का विषय है ना, कि आपने एक टारगेट, एक लक्ष्य रखा, प्रोडक्शन टारगेट रखा, लेकिन आपके पास उसके रिसोर्सेस नहीं है, यह है तो कम है. तो अगर कम है यू कांट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, फिर आपको ओवर टाइम करवाना पड़ेगा और मशीन का मेंटेनेंस को भी आपको अप करना पड़ेगा. अगर वो नहीं है तो यू विल नॉट गेट दैट आउटपुट. सेम वे व्हेन वी हैव गॉट टारगेट्स फॉर रेवेन्यू, क्या हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो सेल्स चैनल्स है जो रेवेन्यू लेके आते हैं, अब उसमें डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हब एंड स्पोक मॉडल, होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट, फीट ऑन स्ट्रीट, फील्ड सेल्स पीपल, ग्रुप लीडर्स, सुपरवाइजर्स, हेड ऑफ लोकेशंस, कोई भी आपका फॉर्मेट होगा,
क्या आपके उस फॉर्मेट में आप 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं, इनफैक्ट 120%, क्योंकि आप बफर भी रखेंगे, क्योंकि अगर समझो कभी समय ठीक नहीं चल रहा है, सीजन ठीक नहीं चल रहा है, या कब अगर सेटबैक हो गया तो वो एक्स्ट्रा जो आपकी कैपेसिटी आपको मदद करती है, जिसको हम बैकअप कहते हैं। तो मैं ये कहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट एग्जीक्यूशन का ये है कि आप 100% कैपेसिटी मैन पावर की, 100% कैपेसिटी मशीन पावर की, 100% कैपेसिटी फाइनेंस पावर की रखते हैं। तो अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ 100% है तो आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम जिस तरीके से प्लान किया वैसा कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जगह जहां आपने उसमें कटौती करी, जहां पे आपने उसमें कंजूसी करी, या जहां पे आपने उसमें सिर्फ कॉस्ट देखा और उसका जो रेवेन्यू या रिजल्ट नहीं देखा, तो आप हमेशा टारगेट से पीछे ही अपने आप को पाओगे। सो फंडामेंटली यू टू इंश्योर दैट व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ सीजन, इट कुड बी अ मंथ, अ क्वार्टर, और लेट से अ ईयर, यू शुड बी रनिंग 100% कैपेसिटी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जहां पे जनरली हम एसएमई सेक्टर अगर देखते हैं, एसएमई सेक्टर मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जहां पे हम लोग बिलोंग करते हैं, यहां पे बड़ा मारामारी है, क्योंकि फंड क्रंच होता ही है, तो सभी जगह हम लोग काटछाट करते रहते हैं। बट अब कॉर्पोरेट्स में देखेंगे तो वहां पे थोड़ा इलैबोरेट है, वहां पे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, वहां पे थोड़ा डिस्क्रीट है, और वहां पे थोड़ा साइंटिफिक है, और वहां पे थोड़ा मेथोडिक है। अगर हम वो करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। सो कैपेसिटी शुड बी 100%। और सी स्क्वायर, मैंने इस फॉर्मूला में अगर आपको आपने देखा है, सी स्क्वायर मैंने बताया, उसमें एक सी कैपेसिटी है और दूसरा सबसे 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 इंपॉर्टेंट सी जो है, दैट्स कॉल्ड कैपेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी। कैपेबिलिटी, यस, लोग होंगे हमारे पास, लेकिन क्या वो सही लोग हैं? क्या वो कैपेबल लोग हैं? क्या वो अपने काम के लिए बेस्ट फिट है? और क्या हमने ये चीज रिक्रूटमेंट करते समय ध्यान दिया? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अदरवाइज। हम ये देखते हैं कि रिक्रूटमेंट जब होता है तो एक तो प्रेशर होता ही, हमारे पास लोग नहीं होते हैं तो हम लोगों को ले लेते हैं। हम फिक्र नहीं करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं कि जिनको मैं ले रहा हूं वो सही बंदा या सही पर्सन है कि नहीं। अब फिर क्या है, मारामारी शुरू हो जाता है। चलो एक तरफ से ये भी ठीक है कि आपने एक डिसेंट इंसान को ले लिया, आपने अपने बेस्ट को नहीं लिया, आपको मिला ही नहीं, चलो। लेकिन क्या आपने अपने कंपनी में, अपने सिस्टम में, अपने सेटअप में ऐसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स खड़े किए हैं या प्रोसेसेस डाले हैं जिसमें ये जो एवरेज या जो थोड़ा डिसेंट जो एम्प्लॉय आपने रिक्रूट किया है उसको आप हीरा बना रहे हैं? क्या आपके पास एक सेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जो इनका देखभाल कर रहा है और इनको सशक्त बना रहा है? इनका नॉलेज, इनके एटीट्यूड्स, इनके स्किल्स, इनके हैबिट्स, इनको अगर स्ट्रेटजी देना है तो उसको वो सुधार रहा है? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी है मगर दैट कैपेसिटी इज नॉट केपेबल, वेदर इट्स मैन पावर और इट्स मशीन पावर। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम केपेबल लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास फाइनेस्ट ऑफ क्वालिटीज है। मतलब उनको एक टास्क दे दो आप, उनको एक काम दे दो आप, वो एक्चुअली उन काम के लिए बने हैं, उनको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, उनको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। ट्रेजेडी ये भी है हमारे साथ कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, हम बेस्ट लोगों को ले भी लेते हैं फिर उनको सिखाते हैं कि करना क्या है। मुझे याद है आउट ऑफ द मेनी कोट्स ऑफ स्टीव जॉब्स, वन ऑफ दिस गोज लाइक दिस, व्हाट्स द फन इन रिक्रूटिंग द बेस्ट एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू। आपने बेस्ट इंसान को ले भी लिया और आप उसको फिर सिखा रहे हैं कि भाई क्या करना है, ये गलत बात है। आपको उनको सिखाना है जिनको पता नहीं है, मतलब उनको कैपेबल बनाना है। लेकिन अगर आपके पास कैपेबल लोग है फॉर द जॉब तो शायद ये भी है कि हमको उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप रिलायंस की बात करें तो
एक रिलायंस वो रिलायंस है जो ट्रेडिशनल रिलायंस है, जिसको हम रिलायंस इंडस्ट्रीज कहते हैं, और उसमें पेट्रोकेमिकल्स का काम चलता है, और एक रिलायंस जो आज का रिलायंस है, जिसमें हम कह सकते हैं जियो वाला रिलायंस, राइट? दैट्स अ वेरी कॉन्टेम्प्ररी, इट्स लेटेस्ट हाईटेक रिलायंस. अगर आप मिस्टर मुकेश अंबानी के इंटरव्यूज देखते हैं तो उसमें उन्होंने ठीक कहा है कि जो ट्रेडिशनल रिलायंस है उनमें उनकी पकड़ है. ही इज अ मास्टर ऑफ इट, ही डजंट नीड टू डू मच देयर. बट जब भी वो जियो में परफॉर्म करते हैं, जब जियो में फंक्शन करते हैं, ही इज मोर अ लर्नर, बिकॉज वो जानते हैं कि जियो जो सेटअप है उसमें टेकीस, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड आईटी ओरिएंटेड पीपल है, वो लोग बसते हैं. तो टास्क दे दो उनको, वो अपना काम कर देंगे, और जब वो काम करते हैं, लर्निंग इज बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. तो क्या हम एज एंटरप्रेन्योर्स, एज बिजनेस पीपल, हम लोगों से सीखते हैं? नहीं, क्योंकि होता यह है कि शायद हमारे पास केपेबल लोग ही नहीं है. तो मेरे ख्याल से हमको अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन रखना है हमारा, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक 24/7 मैकेनिज्म कंपनी में होनी चाहिए, जिसमें एवरीबॉडी, चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर स्टाफ हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सीनियर हो, जूनियर हो, फ्रेश हो और एक्सपीरियंस्ड हो, सभी लोगों को आप उस केपेबिलिटी मिक्सर में, कैपेबिलिटी मेकिंग मशीन में आप ग्राइंड करते हो, और पीरियोडिकली, हो सकता है क्वार्टरली, हो सकता है मंथली, हो सकता है हाफ ईयरली, हो सकता है सालाना, आप उनको फिनिश करते हैं, आप उनको ट्यून करते हैं, आप उनको टोन करते हैं, आप उनके स्किल्स को होन करते हैं. अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर आपकी कंपनी में जो भी रिसोर्सेस थे आपके पास, वो आपको और सक्षम और केपेबल दिखेंगे. एंड अगर ऐसा केपेबल टीम आपके पास है, एंड आपके पास एक प्लान है, एंड आर यू गोइंग इन एग्जीक्यूटिंग द होल थिंग, आई थिंक यू मस्ट एंड यू विल श्योरली गेट योर रिजल्ट्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसको हम लोग समअप करें जो भी हमने डिस्कस किया, तो ये देखेंगे कि हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमने पैसा लगा दिया, मशीन लगा दिया, लोग लगा दिए, और इतना ब्रांडिंग कर दिया, एडवर्टाइजिंग भी कर दिया, रिजल्ट मिलता नहीं है. तो अगर रिजल्ट चाहिए आज के बाद, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को 100% एग्जीक्यूट करना चाहिए. अगर एग्जीक्यूशन अच्छा जाना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है. एग्जीक्यूशन में E इज इक्वल टू AMC स्क्वायर. A स्टैंड्स फॉर अलाइनमेंट, विच मीन्स हमारे पास जितने भी लोग होंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अलाइनमेंट रखेंगे, साथ ही साथ वो अपने कंपनी के विजन के साथ अलाइनमेंट रखेंगे. फिर हमने कहा कि हमारे पास लोगों के जो M होते हैं, दैट इज माइंडसेट, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है. तो हमारे पास ज़्यादातर वो लोग होने चाहिए जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, जो कंपनी के साथ बड़ा बनना चाहते हैं और कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोग रखने चाहिए. फिर हमने देखा कि हमारे AMC स्क्वायर में 2 C है, तो उसमें 1 C हमने देखा हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, कैपेसिटी ऑफ फंड्स, कैपेसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी ऑफ पीपल, ये हमारे पास 100% होनी चाहिए, इनफैक्ट बफर भी होना चाहिए. एंड अगर ये सारी चीज़ें अपने पास सही हैं, तो जो भी हमारी कैपेसिटी है वो केपेबल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब वो लेटेस्ट होना चाहिए, दे शुड बी कट टू द जॉब, कट टू द टास्क दैट दे आर सपोज टू परफॉर्म, दैट मीन्स दे डिलीवर ओनली द बेस्ट. अगर आप ये सब करते हैं, तो मेरा मानना है और मेरा दावा है और मेरा विश्वास है कि आप जिस भी सेक्टर से आते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो, आप सर्विसेज में हो, या आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे आप एक्सपोर्ट करते हो, आपका इंडियन वाटर्स में काम हो या आपका इंटरनेशनल वाटर्स में काम हो, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेशन रखेंगे, एग्जीक्यूशन में अलाइनमेंट, माइंडसेट, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी को ध्यान देंगे, तो आपका रिजल्ट्स आना तय है, पक्का है. तो हमने देखा कि हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट के लोग होने चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास एवरेज लोग हैं, तो उनको कैसे ग्रोथ माइंडसेट में ले जाएं? तो मैं आपको 5 स्टेप्स, सरल सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे और जिसको अगर आपके टीम, आपके लोग फॉलो करेंगे, तो वो अपने आप समय के चलते एक फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में चले जाएंगे. इसको समय लग सकता है. तो ये 5 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप बिलीव करेंगे
कि आप कर सकते हैं. अब बिलीव कैसे, मतलब बिलीव कैसे करें, एक इंसान बिलीव कैसे करें, तो उसका एक ट्रिक है और वो है सेल्फ अप्रिसिएशन. सेल्फ अप्रिसिएशन मतलब आप रोज उठकर सुबह अपने आप को क्या टॉक देते हो, या कोई भी आप हरकत करते हो, कोई काम करते हो, उसमें आप या फेल होते हो सक्सेस होते हो, अपने आप से आप क्या बात करते हो, क्या आप नेगेटिव बातें करते हो या पॉजिटिव बात करते हो. तो सेल्फ अप्रिसिएशन का मतलब एवरी डे ईच वन ऑफ अस, यू मी एंड एवरीबडी इन द सिस्टम, वी टॉक टू आर सेल्फ एट द सेम टाइम वी अप्रिशिएट आर सेल्फ. तो हमेशा हम अपने आप को पेपअप करना बहुत जरूरी है. दुनिया हमें मोटिवेट कर सकती है, करेगी भी, लेकिन अगर ना भी करे तो एक सेल्फ मोटिवेशन तो होना ही चाहिए. तो सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी ये है कि आप अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करते हो. अब एक इंसान अपने आप को अप्रिशिएट करता है, इसका मतलब ईगो नहीं है, इसका मतलब एरोगेंस नहीं है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो अपने आप को पसंद करता है. ही और शी लाइक्स वन सेल्फ, ही रिस्पेक्ट्स वन सेल्फ, वो अपने आप को वैल्यू करता है. वो जो भी है, जैसा भी है, अपने आप के अंदर उसका एक जो सेल्फ एस्टीम है उसे बहुत हाई लेवल पर रखता है. और ये कैसे होता है, जब आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो. तो जब आपके पास एक टास्क आ गया और आप किसी को एक टास्क देते हो, तो वो जो एम्प्लॉय है जिसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट होना है, वो हमेशा अपने आप को उस टास्क के सामने रख के बोलता है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, मैं इसे बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा, इसके लिए जो जो मुझे अपने स्किल्स को होन करने पड़ेंगे या इसमें डेवलप करने पड़ेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ. आई वॉन्ट टू अचीव दिस रिजल्ट्स, आई विल टेक हेल्प एंड आई विल गिव माई बेस्ट शॉट इन टू इट, आई एम केपेबल, मेरे अंदर वो हुनर है, मुझे बड़ा आदमी बनना है. ऐसे जब आप अपने आप को बोलोगे तो यू आर एक्चुअली वैल्यूइंग योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली टेलिंग योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ अप्रिसिएशन. सो सेल्फ अप्रिसिएशन मतलब यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप का सम्मान करते हो और लोगों का भी करते हो. अगर ये आप करते हो और उसके साथ आप अपने उस टास्क में, उस कार्य में छलांग अगर लगाते हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही बुलंद रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और चांसेस ये है कि आप उस काम में अच्छी तरीके से अपने एक्शंस को दे सकेंगे. दूसरी बात ये है कि जब आपको ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, तो ग्रोथ इज ऑल अबाउट गोइंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन. वो कहते हैं ना, सक्सेस एंड बिग लीप्स आर ऑलवेज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. तो लाइफ में लोग अपने कंफर्ट जोन को खुद ही बना लेते हैं, वो अपने एक दायरे में रहते हैं, खुश रहते हैं, बुरी बात नहीं है, बट देन दैट कॉजेज फिक्स्ड माइंडसेट. बट अगर आपको ग्रो करना है, आपको अपने टीम को ग्रो कराना है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन के अंदर रहकर ये हो नहीं सकता है. अगर आप वही चीज करते हैं जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है. अगर आपको कुछ नया, बड़ा, अलग, डिफरेंट चाहिए, तो आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो आपने कभी ट्राई नहीं किया है. दैट मीन्स आपको अपना जो दायरा है उसको तोड़ना पड़ेगा, वो जो बैरियर आपने बना है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको लांघना पड़ेगा. दैट्स द सेकेंड थिंग, दैट मीन्स स्ट्रेच योर सेल्फ. आप अगर समझो कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप स्ट्रेच करते हैं, डिफिकल्टी जरूर होगी, फेलियर्स की चांसेस भी है, लेकिन दैट्स वॉट ग्रोथ माइंडसेट ऑल अबाउट. कि आप जब स्ट्रेच करते हैं और वो स्ट्रेच करते समय अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को उसके हिसाब से अपग्रेड करते हैं, तो यू विल सी योर सेल्फ एक्चुअली परफॉर्मिंग. सो फर्स्ट यू हैव द बिलीफ, पहले आपने बिलीव कर दिया कि मुझे ये करना है और मैं कर सकता हूँ. दूसरा, उस काम को करने के लिए, जो बड़ा काम को करने के लिए, आपने अपना दायरा और बांध तोड़ दिया, एंड यू स्ट्रेच योर सेल्फ. आप जब स्ट्रेच करते हैं, तो तीसरा ये है कि आपको ये स्ट्रेच करते समय जो एक्शंस लेने हैं, उसका एक करेक्ट प्लानिंग आपको करना पड़ेगा. जब आप एक्शंस को प्लान करते हैं, आपको जो जो मदद, जो जो हेल्प चाहिए वो आप लेते हैं, और उसके हिसाब से, उस प्लान के मुताबिक आप अपना काम करते हैं, मतलब आप उसमें एग्जीक्यूट करते हैं, डू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वो जो काम, जो पहले आपको लगता था इम्पॉसिबल है, अब पॉसिबल हो रहा है. सो व्हेन यू प्लान परफेक्टली एंड यू डू अकॉर्डिंग टू योर प्लान, यू आर सीइंग योर सेल्फ कमिंग टूवर्ड्स द क्लोजर और द सक्सेस मार्क. जब आप प्लान करते हैं, कहीं गड़बड़ होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिव्यू करना पड़ेगा. सो व्हेन यू रिव्यू पीरियडिकली, तो हर टास्क को जब आप अपना नेक्स्ट पड़ाव पर ले जाते हैं और उसको आप टाइमली रिव्यू करते हैं, तो आपको करेक्शन एलिमेंट्स मिलेंगे. जब आप वो करेक्शंस को अपना टाइम टाइम पर करते हैं, तो आपका करेक्शंस आपको फ्यूल देगी,
आपको एनर्जी देगी, आपको स्पीड देगी, आपको बेटर रिजल्ट ओरिएंटेशन देगी. सो रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड देन आप जब ये जो अपना जो चार स्टेप आपने कर दिया, आपने बिलीव कर दिया, आपने स्ट्रेच कर दिया, आपने प्लान कर दिया, आपने रिव्यू कर दिया, अगर ये करते हैं और इसको आप रिपीट करते हैं बार बार इस साइकिल को, और इंक्रीमेंटल मतलब बोलते ना बेटर के लिए आप जब रिपीट करते हैं, मतलब आपने वो काम कर लिया उससे आप बेहतर बन गए और उस प्रोसेस को आपने कंटिन्यूस बेसिस में अपने लाइफ साइकिल में, अपने बिजनेस साइकिल में आपने उसको रिपीट कर दिया, यू हैव प्रोग्रेस्ड इनफ. सो ग्रोथ माइंडसेट वाले करते यही है कि वो पहले अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखते हैं, एक बिलीफ रखते हैं कि आई कैन डू इट. देन दे स्ट्रेच देयर लिमिट्स, दे एक्सर्ट सेल्फ प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, एंड आफ्टर दैट दे हैव अ करेक्ट प्लान, दे रिव्यू द प्लान, एंड ऑफ कोर्स दे रिपीट द एंटायर प्रोसेस. अगर ये आप करते हैं, इनफैक्ट अगर आपके पास लीडर्स होंगे आपके कंपनी में, आपके पास मैनेजर्स होंगे आपके कंपनी में, आपके पास सीनियर्स होंगे आपके कंपनी में, तो ये हमारा दायित्व है एज लीडर्स, एज मैनेजर्स, एज कोचेस, एज टीचर्स टू आवर पीपल, कि उनको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम एंगेज करें, उनको रास्ता बताएं, उनको होप्स दे, उनको ये समझाए कि ये आप कर सकते हैं. बिकॉज एवरी ईयर, इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो हमको उनके माइंडसेट में ये कॉन्स्टेंट बम्बार्डिंग, कॉन्स्टेंट हैमरिंग, कॉन्स्टेंट पुशिंग देना बहुत जरूरी है. अगर ये आप करते हैं तो आई एम श्योर यू विल हैव अ बिग बंच ऑफ ग्रोथ माइंडसेट पीपल. तो दोस्तों इनफैक्ट वो जमाना भी चला गया जहां पे हम कहते थे कि कॉम्पिटिशन है, आजकल तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आजकल तो हाइपर कॉम्पिटिशन है. विच मीन्स अगर आपको अपने कंपनी में एक सस्टेनेबल एडवांटेज बनाए रखना है तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और एक लेड बैक एटीट्यूड नहीं चलेगा आज. बिकॉज अगर हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया आगे बढ़ रही है, और अगर हमारे सेटअप में अगर हमारे पास लोग पुराने ख्यालात के हैं या हमारी ख्यालात पुरानी हो गई होगी तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका लर्निंग जो एटीट्यूड है उसको आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, और स्मार्ट आपका एक बढ़िया लर्निंग पार्टनर बन सकता है. खुशी की बात यह है कि आप इंडिया में कहीं पर भी हो आज की तारीख में, तो आप हमारा ये जो एंटरप्रेन्योर गुरुकुल जो बैच है, ये जो सेशन है, ये जो कोर्स है, उसमें एनरोल कर सकते हैं. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारा जो सोशल मीडिया नंबर है 8451051500 पे फ़ोन करना है. आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. जब आप टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी जो टीम है आपसे संपर्क करेगी और आपसे जानेगी कि आपको क्या ठीक है, क्या चाहिए, उसके हिसाब से कोई सोल्यूशन प्रपोज कर सकती है. एंटरप्रेन्योर गुरुकुल की बेनिफिट्स जो आपको ये है कि आप जब एंटरप्रेन्योर गुरुकुल कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप अपने अधिकार, जो आपके राइट्स है, आपका जो हक है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो समझते हैं. क्योंकि जो हमारे 10 राइट्स हैं एज एंटरप्रेन्योर्स, कहीं ना कहीं इस कश्मकश, इस झंझाल, इस पूरे उथल पुथल में हमने खो दिए हैं. तो ये 10 राइट्स जो हमारे हैं वो कौन से हैं और उसे कैसे फिर से हासिल किया जा सके, वो हम इस एंटरप्रेन्योर गुरुकुल में सीखेंगे. साथ ही साथ हम लोग इस गुरुकुल में ये भी सीखेंगे कि हमारे पास जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाए. हमारे पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो है नहीं, हम तो धंधा चला रहे हैं, लेकिन लोगों को और खास तौर पे प्रोफेशनल लोगों को मैनेज करने का एक साइंटिफिक मेथड है. तो हाउ डू यू मैनेज पीपल एट द सेम टाइम अप देयर प्रोडक्टिविटी, एनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी रिजल्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी हम लोग इस एंटरप्रेन्योर गुरुकुल कोर्स में सीखेंगे. हम ये भी देखते हैं कि कई सारे एंटरप्रेन्योर्स सारा काम खुद पर ले लेते हैं, खुद पर बोलते ना सुपरमैन, सब अपने आप करेंगे, सब चीज़ खुद ही करेंगे, तो उसमें समय तो बचता ही नहीं है. गुरुकुल में जब आप आएंगे तो आपको वो सारे लिस्ट जो आपके जो काम के हैं उसमें लिखने के बाद समझ में आ जाएगा कि उसमें कितने सारे काम आपके तो है ही नहीं. तो डेलीगेशन कैसे किया जाए, हमारा काम दूसरों से कैसे किया जाए और खुद को कैसे फ्री रखा जाए, ये हम गुरुकुल में सीखेंगे. विजन भी हम लोग अपने अपने गुरुकुल में बनाएंगे जिससे हमको अलाइनमेंट में दिक्कत नहीं आएगी. तो हमारे कंपनी का कोर पर्पस, हमारे कंपनी का कोर वैल्यूज़, हमारे कंपनी का बिग हैरी ऑडिशियस गोल, उसका विविड डिस्क्रिप्शन, फिर उसके जो ब्रांड प्रॉमिस है, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे और उसको एस्टैब्लिश करके हम अपने लोगों में इसको ट्रांसलेट कर देंगे. एक बार विजन का काम हो जाता है तो हमारा जो 3 साल का जो प्लानिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट विजन एंड सक्सेस मल्टीप्लीकेशन स्ट्रेटजी शीट, अगले सेशन में हम वो कर देंगे.
विच मीन्स अगर आप आज तक अपना बिजनेस चला रहे हैं विदाउट एनी प्लान और वो भी विदाउट एनी रिटर्न प्लान, आपका कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि आज के बाद आप एक रिटर्न प्लान के अंतर्गत अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज्यादा रहेगा कि आपके पास एक स्ट्रेटजी इन प्लेस है एंड आपको पता है कि उसमें मैन्यूवर कैसे किया जाता है। स्ट्रेटजी एक बार बन जाए फिर हम आपको फाइनेंशियल ओरिएंटेशन दे देंगे जिसमें आप समझ जाएंगे कि एक बिजनेसमैन उनको आपको फाइनेंशियल एक्यूमेन होना क्यों जरूरी है। आप में से कई फाइनेंशियल लिटरेट होंगे बट हम देखते हैं कि कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल ओरिएंटेशन कम है या नहीं है, तो हम इसमें यह भी बताएंगे कि आपके बैलेंस शीट्स, आपके रेशियोज, आपके कंपनी में फाइनेंशियल लीकेजेस कहां कहां पे है, कहां पे आपके पास डेड इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, वो समझ कैसे ले और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को कैसे अच्छा आप करें, तो फाइनेंशियल मैथमेजिक वो भी हम आपको सिखाएंगे गुरुकुल में। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे फैक्ट्री के अंदर एक टैलेंट फैक्ट्री बनाए, विच मीन्स सबसे बढ़िया लोग रिक्रूट कैसे किया जाते हैं, ये मिलते कहां हैं, उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्ट करने के बाद उनको रिक्रूट कैसे किया जाता है, रिक्रूट करने के बाद उनको अपने सिस्टम में अलाइन कैसे किया जाता है और उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकाला जाता है, ये हम इसमें 2 दिन सीखेंगे। और अंत में हम अपने कंपनी में आगे आने वाले 50, 100, 500 साल तक कंपनी के हेल्थ को कैसे बरकरार रखें, जैसे हम खुद के लिए सुबह जॉगिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, अच्छा खाते हैं, सेहत बनाए रखते हैं ताकि हमको कोई बीमारी ना लग जाए, बट कंपनी का क्या, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे कंपनी को अगर टीबी हो गई, कैंसर हो गई, शुगर आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, थायराइड आ गया, तो उसका क्या होगा। तो हम कुछ ऐसे हेल्दी हैबिट्स स्मार्ट में देखेंगे जिससे अगर हम अपने कंपनी के अंदर ये वेलनेस हैबिट्स डालें तो हम रहे ना रहे कंपनी स्वस्थ रहेगी। तो आपके बेनिफिट्स अगर आप देखें कई हैं, और मैं कहूंगा आपको कि लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, तो जहां पे आप अर्निंग करने के लिए निकले हैं अगर आप लर्निंग में थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे आपको 100% लाइफ टाइम अर्निंग मिलेगा। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ स्मार्ट वेलकम ऑल ऑफ यू टू एनरोल फॉर द एंटरप्रेन्योर गुरुकुल कोर्स, साथ में मिलके एक बड़े स्ट्रक्चर तरीके से एक सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। सो जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।